ठीक है, अभी के लिए हम अपना नया ट्रैक स्टार्ट करते हैं। जैसे ट्वेल्थ में तीन ट्रैक हैं वैसे ब्रॉडली, है ना। एक तो हमारे ये तो ऑप्टिक्स, जिसमें जनरली हम ज्योमेट्रिकल और वेव ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, तो उसको हमने कवर कर लिया है। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है और फिर मॉडर्न फिजिक्स। तो अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म स्टार्ट करेंगे, ठीक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब मैंने कहा था ना, 60% तो समझ लेना, 60% ट्वेल्थ का पार्ट है ये। जितना बड़ा हमारा इलेवेंथ में मैकेनिक्स था, उतना ही बड़ा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। तो देखो, इसको हम ब्रॉडली तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को। सबसे पहले इसका एक पार्ट है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, फिर हम पढ़ेंगे मैग्नेटोस्टैटिक, फिर हम पढ़ेंगे ईएम वेव्स। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट होता है उसमें हम मानते हैं, उसमें हम जब जितना भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ने वाले हैं उस पूरे में हम क्या कंसीडर करेंगे, हमारा चार्ज इज एट, ठीक है। इसके जो कुछ टॉपिक्स मैं बता देता हूँ जो हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इसको हम अभी कवर करने वाले हैं। इसमें जैसे हम स्टार्टिंग करेंगे कूलम्स लॉ से, सबसे पहले हम कूलम्स लॉ पढ़ेंगे इसमें, फिर हम इसमें एक होता है गॉस लॉ भी होता है, कंडक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे इसमें हम, कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर एक करंट इलेक्ट्रिसिटी भी होता है ना, वो उसमें चार्ज एक्चुअली रेस्ट पे नहीं है पर वो इसी में आ जाता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ने वाले हम, ठीक है। मैग्नेटोस्टैटिक्स में हम क्या मानते हैं, इसमें हमारा क्या था, चार्ज रेस्ट पे था, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। मैग्नेटोस्टैटिक्स में हम मानते हैं कि हमारा जो करंट है कॉन्स्टेंट है, वो वेरिएबल करंट नहीं है, या फिर हमारा जो चार्ज है दैट इज मूविंग विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, चार्ज हमारा कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। तो जब भी चार्ज कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से जाएगा या फिर करंट कॉन्स्टेंट होगा, सेम बातें हैं दोनों, तो क्या करता है वो मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है, स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड। तो उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, बता ही देता हूँ चलो चैप्टर्स। इसमें जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे, दो ही पार्ट हैं एक तरह से, एक तो हम पढ़ते हैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी स्पेस में, हम वो निकालना सीखेंगे। फिर दूसरा पार्ट होता है कि अगर दो चीज़ों में करंट फ्लो हो रहा है या फिर दो कोई भी चार्जेस वगैरह मूव कर रहे हैं तो उनके बीच में मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा। अब दोनों सेम जैसे देखते हैं तो अलग अलग लिखो, है ना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, और अगला क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स निकालना सीखते हैं। जब भी हम किसी भी करंट कैरिंग एलिमेंट को मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो वो एक फोर्स फील करता है, उस मैग्नेटिक फोर्स को हम निकालना सेकंड चैप्टर में सीखते हैं। तो ये दो चैप्टर ही हैं इसमें, पर फिर कुछ और एक्स्ट्रा चैप्टर्स भी हैं, जैसे एक होता है परमानेंट मैग्नेटिज्म, फिर एक और आ जाएगा अर्थ मैग्नेटिज्म। ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हमारे जेई एडवांस के सिलेबस में नहीं है ये दोनों चैप्टर्स, ठीक है। जेई एडवांस में यही दोनों, और यही इन्हीं दोनों में से, चाहे जेई मेंस भी हो, मैक्सिमम क्वेश्चंस इन दोनों में से ही आते हैं, है ना, पर आ जाते हैं हर साल एक ना एक क्वेश्चन इनमें से भी देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम ईएम वेव्स पढ़ेंगे। ईएम वेव्स हमें बहुत कम पढ़ना है, ये हमारा जेई एडवांस में नहीं है, ये हार्डली हम एक क्लास में कवर करेंगे। इसमें हम मानेंगे ये तब होता है जब चार्ज तुम्हारा एक्सेलरेट करता है। जब भी चार्ज एक्सेलरेट करता है तो वो रेडिएट करता है, वो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करता है। ये पढ़ा होगा ना, ये बोर्स मॉडल का एक फ्लॉ भी था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर मोशन कर रहा है, और सर्कुलर मोशन मतलब हम जानते हैं फिजिक्स से एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और जब भी चार्ज एक्सेलरेट करता है उसको क्या करना चाहिए, रेडिएट। ये मैक्सवेल इक्वेशन से निकल के आता है हमारा, तो ये बहुत छोटा सा हमारे लिए बहुत ही बेसिक लेवल पे है ये, है ना। तो ये समझ लो 99% तो यही दोनों है, ये बिल्कुल जरा सा है, पर फिर ये आगे जाके रहता है ना, क्योंकि असलियत में तो भाई कहाँ इलेक्ट्रिक स्टैटिक इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलती है। जितने भी कम्युनिकेशन होते हैं सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से होते हैं, वो टाइम वेरिंग होती हैं, लाइट टाइम वेरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, पर वो सारे कंसेप्ट जनरेट तो यहीं से होते हैं ना। स्टार्ट करें, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की स्टार्टिंग करते हैं फिर हम। तो भाई इसके स्टार्टिंग करने से सबसे पहला टर्म चार्ज,
तो चार्ज क्या होता है ये? देखो तो जैसे मास एक प्रॉपर्टी होती है ना, वैसे ही चार्ज भी प्रॉपर्टी होती है। दुनिया में जितने भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं ना, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और उससे भी छोटे लेवल पे जितने भी पार्टिकल्स हैं, हर एक पार्टिकल को चार चीज़ों के बेसिस पे डिफाइन किया जाता है। मतलब हर एक पार्टिकल की सिर्फ चार प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक मास होता है, दूसरा चार्ज होता है, तीसरा उसकी स्पिन, चौथा उसका लाइफ टाइम है ना, हाफ लाइफ बोलते हैं फिर उसे, कितने टाइम में वो डिके करता है। इन चार चीज़ों पे दुनिया का हर एक पार्टिकल डिफाइन हो जाता है। और फिर इसके आगे भी पार्टिकल फिजिक्स में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो सब इनकी मतलब एक तरह से इन सब से मिलके बनती है। पर हम यहाँ पे चार्ज पढ़ें तो चार्ज एक अलग प्रॉपर्टी है ना, जैसे मास एक प्रॉपर्टी थी वैसे ही चार्ज भी एक प्रॉपर्टी होती है। हमने क्योंकि ओवर द टाइम देखा है कई चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं और कई चीज़ें रिपल करती हैं, और वो मैग्नेट्स नहीं है, है ना, मैग्नेट्स करती हैं वो एक अलग चीज़ है। अच्छा, मैग्नेट किस तरह से अट्रैक्ट या रिपल करती हैं वो भी ये सब पढ़ने के बाद ही हमको समझ में आएगा। आखिर अट्रैक्ट करती हैं तो क्यों करती हैं, तो उसके लिए पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना पड़ेगा, फिर मैग्नेटोस्टैटिक्स पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद समझ में आएगा कि मैग्नेट्स वर्क कैसे करती हैं एक्चुअली में। पर उसके अलावा भी हमने बहुत सी नॉर्मल चीज़ें देखी होंगी ना, बचपन में वो करा होगा, पेपर फाड़ लेते थे, स्केल को ड्राई हेयर पे रब करो तो फिर वो अट्रैक्ट कर जाता है। तो कैसे अट्रैक्ट कर जाता है, तो पढ़ा होगा कि भाई चार्ज इंड्यूस हो जाता है ना, तो वो सही बात है। तो हमें इतना पता है, हमने ऐसा क्योंकि बहुत सी जगह देखा हुआ है कि मैग्नेटिज्म के अलावा भी चीज़ें अट्रैक्ट और रिपल कर रही हैं। तो हमने क्या बोला कि दो तरह के चार्जेस होते हैं, ठीक है, कौन कौन से, उनको कुछ भी नाम दे सकते थे, वन या जीरो दे देते, ए और बी बोल देते, या फिर सी और डी बोल देते, पर कन्वीनियंट है प्लस और माइनस बोलना, क्योंकि उससे हमारा जो इसकी मैथमेटिक्स है वो आसानी से वर्कआउट हो जाती है। तो प्लस और माइनस बोलना बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट था, तो हमने बोलना चालू कर दिया पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होता है। अब जल्दी से तुम्हें ये पूरी कहानी तो पता ही है, प्लस प्लस या माइनस माइनस ले ले तो क्या होता है उनके बीच में, रिपल्शन, दुश्मनी, है ना। चलो, और प्लस और माइनस के बीच में क्या होता है ये तो पता ही है तुमको, है ना। इसके अलावा भी एलिमेंट्री पार्टिकल बताओ, कोई ऐसा एलिमेंट्री पार्टिकल बताओ जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता हो। एग्जांपल क्या होगा पॉजिटिव चार्ज का, क्या है, प्रोटॉन, है ना। सबसे अच्छा एग्जांपल हमारे पास प्रोटॉन है। प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है, पता होगा, है ना, दो चीज़ें होती है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, और बाहर इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। इसका एग्जांपल बताओ, देख नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन, दोनों पे कितना चार्ज होता है, प्रोटॉन का चार्ज होता है प्लस ई, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है ई, कितना होता है बताओ जल्दी से, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। अब कूलम क्या चीज़ है, ये चार्ज का यूनिट है ना। कूलम का, कूलम मतलब होता है एम्पियर सेकंड, याद रखना। कूलम हमारा जो हमने 7 फंडामेंटल यूनिट्स डिफाइन करे थे ना, तो एम्पियर उसमें याद रखना, फंडामेंटल यूनिट एम्पियर होता है, कूलम नहीं होता, है ना। करंट के रिस्पेक्ट में हम कंपेयर करते हैं, करंट होता है हमारा चार्ज बाई टाइम, तो चार्ज क्या हो गया करंट इंटू टाइम, तो कूलम क्या होता है एम्पियर सेकंड। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बोलो जल्दी से, एम कितना आएगा 0, एल कितना आएगा टी 1 एम्पियर, तो ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है कूलम का। ये ई क्या है भाई, ये जो ई नंबर है, माइनस ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और प्लस ई प्रोटॉन का चार्ज है। अच्छा, वैसे इसके अलावा भी बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं ना, जैसे पॉजिट्रॉन हो गया एक हमारे पास, और इलेक्ट्रॉन में बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन एक ही होते ना, और होते हैं ना, देखो ये पार्टिकल फिजिक्स में अपने पास होते हैं मीजोन्स होते हैं, बोसोन्स होते हैं, फर्मियोन्स होते हैं, ऐसे अराउंड 80 समथिंग पार्टिकल्स होते हैं। तो इनमें इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे। अब वो मुझे भी याद नहीं है ना, मुझे पार्टिकल्स के नाम याद हैं पर ये याद नहीं है किसका कौन सा चार्ज होता है और क्या नहीं होता, ठीक है। पर हमें तो इनसे ही काम पड़ने वाला है। तो देखो ये जो ई होता है ना, वो स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज होता है जिसको तुम ट्रांसफ़र कर सकते हो, है ना। मान लो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज ट्रांसफ़र कर रहे हो सकता है तुम ई कर दो, या फिर 2E चार्ज को ट्रांसफ़र करो, 100E को करो, 1000E को करो, 1 billion E को करो, पर कभी भी तुम 1.5E चार्ज को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, समझ में आई बात, या फिर 0.5E चार्ज को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। क्योंकि जब भाई चार्ज ट्रांसफ़र होता किस तरीके से बताओ, इलेक्ट्रॉन के थ्रू, देखो प्रोटॉन नहीं जाते कभी कहीं से, है ना, वो तो न्यूक्लियस के अंदर है, बंद है, ये तो केमिस्ट्री में पढ़ा देते हैं अच्छे तरीके से। तो जो भी जा रहा है यहाँ से वहाँ हो रहा है वो कौन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जब भाई जाएगा तो आधा इलेक्ट्रॉन जैसा कुछ नहीं होता, जाएगा तो पूरा जाएगा इलेक्ट्रॉन, जब पूरा इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कितना चार्ज लेके जाएगा अपने साथ, है ना, ई अमाउंट का नेगेटिव चार्ज लेके चला जाएगा वो। अब जिस बॉडी से गया उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्यों पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि एटम तो न्यूट्रल होता है, और एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिया मतलब नेगेटिव चार्ज कम करा, तो पॉजिटिव अब डोमिनेट कर गया,
और जिस बॉडी पे गया उस पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया। आ रहा है ये सब? ये सब बेसिक कहानी है जो तुम्हें ऑलरेडी पता होती है। तो उसमें माइनस ही चार्ज आ जाता है, ठीक है? तो समझ गए ना, चार्ज का जो ट्रांसफर होगा वो इलेक्ट्रॉन से होता है, और कभी आधा इलेक्ट्रॉन इधर से उधर नहीं जाता, जाएगा तो पूरा जाएगा। एक जाएंगे दो जाएंगे, और दो जाएंगे तो टू ई चार्ज का ट्रांसफर होगा, दस जाएंगे तो टेन ही होगा, वन बिलियन जाएंगे तो वन बिलियन ई का ट्रांसफर होगा। तो हम बोलते हैं चार्ज क्या है हमारा, चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज लिखो, है ना, ऐसे इसको लिखो पहले फटाक से। पर क्वार्क्स होते हैं फिर ये, उसके भी अंदर जब चले जाओ तब आते हैं क्वार्क्स। इलेक्ट्रॉन तो देखो किससे बना ये आज तक नहीं पता ना, इलेक्ट्रॉन तो हमारा सबसे फंडामेंटल पार्टिकल है। अब प्रोटॉन्स और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो क्वार्क्स से मिलके बने होते हैं ना। क्वार्क्स छह तरीके के होते हैं, अप डाउन, ब्यूटी, ब्यूटी नहीं होता, चार होता है, टॉप बॉटम, और एक और कोई होता है स्ट्रेंज, है ना। ये छः होते हैं, छः क्वार्क्स होते हैं इनके नाम से ना, उनके कलर्स भी होते हैं अपने, फ्लेवर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ होती है क्वार्क्स के पास अपनी। तो क्वार्क्स का चार्ज दो तरीके से होता है, या तो ई वाई थ्री होता है प्लस माइनस ई वाई थ्री, या फिर प्लस माइनस टू ई वाई थ्री होता है। पर ये क्वार्क्स वो चीज़ है जिससे प्रोटॉन न्यूट्रॉन बनते हैं, ठीक है? और अभी हम उस लेवल पर बात नहीं कर रहे हैं, अभी हमारा जाएगा तो पूरा इलेक्ट्रॉन जाएगा ना, वो तुम पार्टिकल फिजिक्स में पढ़ोगे अगर कभी पढ़ोगे तो। लिखो भी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। पहली क्या है, चार्जेस क्वांटाइज। क्या मतलब है इसका? क्वांटा का मतलब कुछ नहीं होता, इंटीग्रल, है ना। तो चार्ज हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई में ट्रांसफर करेगा, लिख लो, है ना। चार्ज कैन ओनली ट्रांसफर इन इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ ई, और इसका रीजन भी तुम्हें पता चल गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चार्ज लेके जाता है और आधा इलेक्ट्रॉन जैसा कुछ होता ही नहीं है दुनिया में। चार्ज कैन ओनली ट्रांसफर इन इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ ई, इसका मतलब है कि किसी बॉडी से ऐसा हो सकता है ना, अरे भाई चार्ज इस तरह से ट्रांसफर कर सकता है ना, टू ई चार्ज ट्रांसफर कर सकता है, पर ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में 1.5 ई चार्ज चले जाए, ये पॉसिबल नहीं है। आया समझ में? कोई बॉडी है उस पर इतना चार्ज हो सकता है ना, 100 ई चार्ज हो सकता है उस पर, ये पॉसिबल है। पर ऐसा कभी नहीं हो सकता कि किसी बॉडी पे माइनस 2.5 ई चार्ज हो, ऐसा हो भी नहीं सकता। चार्ज किसी भी बॉडी पे होगा तो इंटीग्रल मल्टीपल ई में होगा, अगर ट्रांसफर कर करेगा तो भी इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ ई में ट्रांसफर करेगा। सीधा सा फंडा समझ जाओ तुम लोग कि चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में होता है, और दोनों में ई के टर्म्स में चार्ज है, तो जब चार्ज एग्जिस्ट करेगा तो उसी के मल्टीपल में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अगला पॉइंट, पहली तो हो गई चार्जेस क्वांटाइज्ड, अगला बताओ। तो लिखो भाई, नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड। जैसे मान लो कोई बॉडी है तुम्हारे पास, है ना, कोई बॉडी है, उसमें से मान लेते हैं इस तरह से कुछ चार्ज है उसके पास, से प्लस 10 ई पॉजिटिव चार्ज है और माइनस 4 ई नेगेटिव चार्ज है, तो नेट चार्ज कितना हो गया जल्दी बताओ, कितना हो गया? प्लस 6 ई हो गया। थोड़ी देर बाद तुमने देखा इस बॉडी में प्लस 7 ई पॉजिटिव चार्ज है और माइनस ई नेगेटिव चार्ज है, नेट चार्ज कितना हो गया? तो दोनों ही केस में नेट चार्ज प्लस 6 ई। तो क्या ये चीज अलाउड है कि भाई चार्ज था पॉजिटिव चार्ज 10 ई से कम होके 7 ई हो गया, और जो नेगेटिव चार्ज था वो माइनस 4 ई से कम होके माइनस ई हो गया, ये वाली चीज अलाउड है क्या? ऐसा हो सकता है? तो भाई दिस इज अलाउड, ऐसा होता है ना, एंड दिस हैपेंस ऑल द टाइम। हमने बोला नेट चार्ज इज कंजर्व, है ना। अगर मैं एक स्टेटमेंट बोलूं, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो सही है गलत? गलत है ये स्टेटमेंट, है ना। चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, पर नेट चार्ज को क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ये समझना जरूरी है। मैं अभी एग्जांपल भी बताऊंगा, पहले बनाओ तुम। तो लिखो भाई, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कैन बी क्रिएटेड एज वेल एज डिस्ट्रॉयड। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कैन बी क्रिएटेड एज वेल एज डिस्ट्रॉयड, बट नेट चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉ बी डिस्ट्रॉयड। ये फंडा क्लियर है?
देखो ये क्लैरिटी चाहिए क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन सिर्फ ऐसे ही आ जाते हैं, उसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं होगा, कोई कैलकुलेशन नहीं होगा, बस तुम्हारे कंसेप्ट चेक कर रहे होंगे कि भाई पूछ लेंगे कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। देखो ये वाली रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं जब हम न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे। न्यूक्लियस के अंदर एक इस तरह की रिएक्शन होती है, मैं बता रहा हूँ तुम्हें भी, जो न्यूट्रॉन होता है हमारा वो टूट के प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है और एक पार्टिकल और इमिट कर देता है जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रिनो। तो भाई न्यूट्रॉन के पास कितना चार्ज था बताओ जल्दी से, चार्ज कितना था? जीरो था। प्रोटॉन के पास? इलेक्ट्रॉन के पास? इसके पास? जीरो। तो अगेन नेट चार्ज कितना रहा? तो चार्ज कंजर्व्ड रहा ना। इसी तरह से एनर्जी मास भी कंजर्व रहता है, मास अकेला कंजर्व नहीं होता, एनर्जी अकेली भी कंजर्व नहीं होती, एनर्जी मास का कॉम्बिनेशन कंजर्व होता है क्योंकि एनर्जी और मास एक ही चीज़ होती है, इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो यहाँ पर जो तुम इसकी जो रेस्ट मास एनर्जी होगी वही इस पूरे की एनर्जी और जो एनर्जी रिलीज हुई है उन सब का कॉम्बिनेशन कंजर्व होगा। इसी तरह से स्पिन भी कंजर्व होगी तुम्हारी। तो ये सारी चीज़ें कंजर्व होती हैं ना, पर उन सब के बारे में हमको पढ़ना नहीं है। पर ये वाली चीज़ दिख रही है क्या? तो चार्ज एक्चुअली क्रिएट हुआ है, एक न्यूट्रॉन ख़त्म हो गया, उसकी जगह दुनिया में एक नया प्रोटॉन आया और एक नया इलेक्ट्रॉन आया और एक और पार्टिकल निकला जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रिनो। तो लिख लो ये एग्जाम्पल के लिए ना, बाकी इसको हम न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ेंगे। यही तुम्हारा बीटा इमिशन कहलाता है ना, बीटा डिके, नेगेटिव बीटा डिके प्रोसेस भी बोलते हैं इसे। इलेक्ट्रॉन को हम नेगेटिव बीटा पार्टिकल बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, रिएक्शन ऑब्जर्व करी गई है, किसी ने आज तक अंदर जाके देखा नहीं है। अब बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस होते हैं अलग अलग तरीके से। देखो बिल्कुल हम चाहते हैं कि हमें सब कुछ पता चल जाए, पर कैसे पता करें, क्वेश्चन ये कौन पता करेगा। तो देखो इसके लिए तरीके होते हैं कि वो है ना जो लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर है LHC, लगभग शायद 4 माइल रेडियस का है वो। तो उसमें क्या करते हैं वो लोग, दो पार्टिकल्स लेते हैं ना, जैसे दो इलेक्ट्रॉन का कोलिजन कराना है फिर दो किसी और पार्टिकल कराना है, तो दोनों पार्टिकल को अलग अलग डायरेक्शन में ट्रैवल करने वाला स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड होती है वहाँ पे जिसके कारण वो सर्कुलर मोशन में जा रहे होते हैं और वो इस तरह से बहुत सारे सर्किल कवर करते हैं ना और कोलाइड नहीं करते, वो इस तरह से पूरा सेट करते हैं। और जब वो बहुत ज़्यादा स्पीड अटेन कर लेते हैं तो उस समय उन दो पार्टिकल्स का कोलिजन कराते हैं, और जब वो दो पार्टिकल कोलाइड होकर टूटते हैं तो वो बहुत सारे नए नए तरह के पार्टिकल्स में ब्रेक होते हैं, जिन जो पार्टिकल्स हमने कभी सोचे भी नहीं थे एग्जिस्ट करते होंगे, क्योंकि उस ज़माने में तो हमको लगता था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ख़त्म कहानी। पर मैं कह रहा हूँ देर आर अराउंड 80 पार्टिकल्स, इतने पार्टिकल्स होते हैं। तो फिर क्या होता है, फिर जहाँ पे वो कॉलिजन हो रहा होता है वो तो तुम्हें कुछ भी नहीं दिख रहा है वहाँ पे, समझ रहे हो ना क्या हो गया, कब क्या हो गया, तुम्हें तो पता भी नहीं है। फिर वहाँ पे बहुत सारे सेंसर्स लगे होते हैं, बहुत सारे कैमरे लगे होते हैं जो 3D पूरे हर डायरेक्शन से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। वो बहुत ज़्यादा स्लो, मतलब एक एक स्टेप होती है ना माइक्रो सेकंड में दिखा पाते हैं, मतलब दिख एक्चुअली कुछ भी नहीं रहा होता, पहले तो ये समझो। दिखने के लिए तो फोटोन आना चाहिए, पर बहुत सारे अलग अलग सेंसर्स होते हैं जिसको हमें पता चलता है कि क्या हो रहा है, फिर उसको स्टडी करते हैं बहुत सारे साइंटिस्ट, सालों तक स्टडी चलती है तब कुछ पता चल पाता है, हाँ भाई ऐसा हो रहा है, ये हल्की सी एनर्जी एक्स्ट्रा है तो ये वाला पार्टिकल एग्जिस्ट करता होगा, ये स्पिन का डिफरेंस आ रहा है, मतलब ऐसा कोई ना कोई और पार्टिकल होगा जिसके पास ये स्पिन होगी जिसको हम अभी तक ऑब्जर्व नहीं कर पाए। तो इस तरह से आगे बढ़ती है ना, तो एक्चुअली में क्या किसी को नहीं पता अभी तो, बाकी क्वार्क मॉडल से हम एक्सप्लेन कर देते हैं इन सब चीज़ों को। अपने इंडिया में भी एक साइक्लोट्रॉन है, एक है दो है ये नहीं पता, पर साइक्लोट्रॉन्स है ना, छोटे छोटे साइक्लोट्रॉन्स हैं, मतलब वो भी इतने छोटे नहीं है पर अच्छे लेवल पे है ना। चलो है ना, नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व, ये समझ में आ गया तुमको है ना, नेट चार्ज कंजर्व होता है। और कोई प्रॉपर्टीज जो चार्ज के बारे में बता सकते हो तुम लोग? नहीं, ठीक है लिखो, चार्ज इज इनवेरिएंट। अब भाई इसका क्या मतलब है चार्ज इज इनवेरिएंट, मतलब चार्ज वेरी नहीं करता, मतलब मैं अगर यहाँ पे मान लो 5 कूलम का चार्ज रखा हुआ है तो मेरे लिए वो 5 कूलम है। अब तुम में से कोई एक इंसान दौड़ लगाने लगे, बहुत स्पीड में दौड़ लगाने लगे, तो भी उसके लिए भी वो 5 कूलम ही होगा, उसके लिए भी वो चेंज नहीं करेगा, मतलब हर एक फ्रेम में चार्ज सेम रहता है। मान लो भाई ये रखा है 5 कूलम का चार्ज रखा है तुम्हारा, कितना 5 कूलम, तो ये 5 कूलम है भाई, कौन बोल रहा है ये ए के रिस्पेक्ट में 5 कूलम है, ए रेस्ट पे है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में और 5 कूलम भी रेस्ट पे है। तो भाई ए बोल रहा है अकॉर्डिंग टू ए विद रिस्पेक्ट टू ए चार्ज कितना है 5 कूलम, ए बोल रहा है कि भाई चार्ज कितना है 5 कूलम। फिर यहाँ पे एक इंसान हो रहे भाई बी है, ये बी बहुत स्पीड से दौड़ रहा है, से C/2 से दौड़ रहा है, स्पीड की आधी स्पीड से दौड़ रहा है। अब भाई इससे पूछा गया कि भाई और ये चार्ज यही है, सेम चार्ज को ऑब्जर्व कर रहे थे ना,
इससे पूछा गया भाई बताओ चार्ज कितना है, तो बी ने भी कहा भाई चार्ज कितना है 5 कूलम। मतलब दोनों ऑब्जर्वर्स जो डिफरेंट फ्रेम में, दोनों एग्री कर रहे हैं कि भाई चार्ज सेम है, मतलब चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम। समझ में आया? तो कहोगे भाई अभी तो और कौन सी चीज फ्रेम पे डिपेंड करती थी, मास भी तो इनवेरिएंट था। चलो तो फिर दूसरा एग्जांपल करते हैं अपन, एक एग्जांपल और लेते हैं। 5 किलोग्राम का भाई रखा हुआ है, कितना रखा हुआ है 5 किलोग्राम का रखा हुआ है, ये ए है, ए रेस्ट पे है और 5 किलोग्राम का हमारा मास भी रेस्ट पे रखा हुआ है। फिर यहाँ पे एक और इंसान है फ्लैश, ये C/2 से दौड़ रहा है, ठीक है। अब दोनों से पूछा गया भाई कि तुम्हें कितना मास दिख रहा है, तो विद रिस्पेक्ट टू ए, विद रिस्पेक्ट टू ए बताओ मास कितना है। और फिर बी से पूछा गया कि भाई मास कितना है, तो बी के हिसाब से मास कितना है 10/√3 kg, और 10/√3 कितना होता है बताओ अप्रोक्सीमेटली, जो भी है 5 से कितना है ज़्यादा है ना, जो भी है ये जो भी निकल के आ रहा है इतना क्लियर है कि ये 5 किलोग्राम से ज़्यादा निकल के आ रहा है। सो मास इज नॉट इनवेरिएंट, मास इज फ्रेम डिपेंडेंट, अलग अलग फ्रेम में सेम चीज़ का अलग अलग मास होता है, इसलिए ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना ये वाला पॉइंट तो हम ऑब्वियस मान के निकल जाते क्या क्यों लिखवा रहे भाई। चार्ज फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता पर मास फ्रेम पे डिपेंड करता है ना। तो लिख लो ये किस इक्वेशन से निकल के आया मैं वो भी बता देता हूँ, एम इज इक्वल टू एम नॉट इन टू रूट ऑफ 1 - v² / c². ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की इक्वेशन है। एम नॉट यहाँ पे क्या होता है हमारा रेस्ट मास, इसको हम रेस्ट मास बोलते हैं, तुमने कई बार ये वर्ड सुना होगा ना, मतलब ये उस फ्रेम में मास होता है जिस फ्रेम में वो पार्टिकल रेस्ट पे है। अगर कोई चीज़ तुम्हारे रिस्पेक्ट में रेस्ट में तो तुम्हें रेस्ट मास दिखेगा, अगर तुम मूव करने लगोगे तो मास बढ़ जाएगा। लिख लो जल्दी फटाक से लिखो ये सब। सो चार्ज इज इनवेरिएंट, ये चीज़ ध्यान रखना है। और ये सब चीज़ हमको कैसे पता चली, एक्सपेरिमेंट्स है ना, कई एक्सपेरिमेंट्स ने ऐसा बोला कि ऐसा होता है, और फिर थियरी जो डेवलप हुई वो भी यही कह रही थी कि ऐसा होना चाहिए। तो दोनों एग्री करते हैं, ये क्वेश्चन याद रखने की ज़रूरत नहीं है तुमको, अनलेस अंटिल तुम ओलंपियाड निकाल लेते हो और इंटरनेशनल ओलंपियाड में जाते हो। अरे भाई तुम जैसे ही लोग जाते हैं ऐसे क्यों करने लगते हो, खुद को अंडर एस्टिमेट करते हो। लिखिए ये मास वाला, अगर तुम्हें मतलब कुछ याद वगैरह रखने जैसा नहीं है, ये बस इसलिए बताया था कि तुम इस ये जो हमने बताया पढ़ी है, ये जो प्रॉपर्टी है इसकी ब्यूटी को अप्रिशिएट कर पाओ, है ना, कि ये इनवेरिएंट होता है तो ये कोई चीज़ है ना, ये कोई ऑब्वियस सी चीज़ नहीं है जो तुम मान लो। खैर अभी किसी को डाउट है क्या? नहीं।